सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मोहित सिंह स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन के साथ। शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 6:30 या 7 बजने वाला, सनसेट हो चुका है, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। आज मैं आपको लेके पहुंच चुका हूँ वेज टू वंडर पार्क, जो कि है हजरत निजामुद्दीन के जस्ट थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस में है मेट्रो स्टेशन के। और आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाने जा रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन में बना हुआ वेज टू वंडर, जो कि राजस्थान में एक 7 वंडर पार्क है, उसके इंस्पायर होके बनाया हुआ है। तो आज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ वेज टू वंडर नाइट व्यू में। दिन का मैंने आपको दिखा चुका है, यहाँ का पूरा सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, और मैं नाइट में आपको व्यू दिखाने वाला हूँ कि कैसा व्यू होने वाला है रात को यहाँ पे। तो आज आपको काफ़ी वीडियो में मज़ा आने वाला है नाइट व्यू में, जस्ट बिकॉज ऑफ अब दिन में लोगों का काफ़ी बाहर आना कम हो चुका है और अब शाम हो चुकी है, तो शाम को ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाहर आना। तो चलिए ब्लॉग में बनी रहिए, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा टिकट प्राइस के बारे में, लोकेशन के बारे में, और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू, तो ब्लॉग में बने रहिए। एंड जस्ट सामने ही आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा, लेडीज की अलग लाइन है, जेंट्स की अलग है। एंड गाइस, ये है मंडे क्लोज होता है और टिकट प्राइस आपके सामने है, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं किसके लिए कौन से यहाँ पर अवेलेबल है, आपके सामने मेंशन की हुई है सारी। चलते हैं, यहाँ से टिकट परचेज कर ली है मैंने, 50 रुपये पर पर्सन टिकट पड़ी है। और ये है सामने मेन एंट्रेंस, यहाँ से लेते हैं एंट्री। सो गाइज, एंट्री करने पे ही आपको जस्ट यहाँ पे कैफेटेरिया मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फूड के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ये वाला रास्ता जा रहा है इधर वेज टू वंडर के लिए, यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं सारे और यहाँ पर है बनाया हुआ कैफेटेरिया। तो अब चलते हैं मॉन्यूमेंट्स की तरफ। सो ये है रास्ता, आप चलते हैं यहाँ पे अंदर। काफ़ी मतलब ग्रीनरी हो रखी होती है यहाँ पर दिन में, और दिन का व्यू तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। अब मैं आया हूँ यहाँ पे आपके लिए जस्ट शाम को व्यू देने के लिए। काफ़ी अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं और यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है, काफ़ी पीसफुल है और मौसम भी हो चुका है ठंडा ठंडा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पार्क का आपको सारा एरिया जो है ना, मेन अट्रैक्शन आपको यहाँ दिखती जाएगी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव वाइज आती हैं और नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे वगैरह, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी कर रखी है, आप देख ही रहे हो जिस तरीके से वीडियो में। तो गाइज, अभी एंट्री ली है और यहाँ पर एक फाउंटेन टाइप का कुछ बना रखा है, काफ़ी सही लग रहा है, जो कि आप ये रास्ता बना रखा है धीरे धीरे। अभी यहाँ पर ये यह है कि दिन का क्राउड जा चुका है, अब जो लोग नाइट यहाँ पर आने जा रहे हैं, नाइट को एंजॉय करने आते हैं, वो लोग अभी यहाँ पे आने शुरू होंगे। जस्ट पहुँच चुके हैं इस वेज टू वंडर के फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स के पास, और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये है आपका अमेरिका में, मेन अमेरिका में है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, उसका सेम एक डमी बना रखा है यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं सामने। और रात को भी उसको देख रहे हो किस तरीके से लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह है, फोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही हैं, आराम से लोग आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, और नाइट व्यू में आके यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है आके। और मेनली चीज़ बताई जाए तो ये सारा जो आपको दिख रहा है ना, ये आर्टिफिशियल है और लोहे का, आयरन चीज़ें होती हैं और वेस्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे सामान की, उन चीज़ों से बनाया हुआ, इसीलिए इसका नाम वेस्ट टू वंडर रखा गया है। अब चलते हैं यहाँ के सेकंड मॉन्यूमेंट्स की तरफ। काफ़ी शांति हो रखी है और नवरात्रे चल रहे हैं और रमज़ान का टाइम चल रहा है, इसीलिए शाम को लोग काफ़ी भीड़ ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब गर्मियों में आने वाले टाइम पे यहाँ पर दिन में तो भीड़ नहीं हुआ करेगी, बट शाम को यहाँ पर पूरा भीड़ हुआ करेगा। सो गाइज़, अभी आप सामने देख रहे हो रियो रिडेमियर, जिसको आपने देखा होगा फोटोज़ वगैरह में, जो लोग विजिट किया होगा उनको पता होगा ये लोग है पूरा बना हुआ, और ये भी यहाँ पर वेस्ट ऑफ वंडर में बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से, और ये मेनली है ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो है। और इसकी हाइट देखी गई है करीब 124 फीट और चौड़ाई बताई गई है 92 फीट। तो और सामने ही है आपके देखने में, जैसे मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो में, जैसे आप सामने देख रहे हो यही है वो जो है ब्राज़ील में प्लेस है, और ये भी पूरा वेस्ट टू मटेरियल से बना हुआ है, जो हमारे वेस्ट होता है लोहे का सामान और स्टील्स वगैरह वायर रॉड होती हैं उससे बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से। इसी तरीके से इस वेस्ट टू वंडर पार्क में 7 वंडर्स बने हुए हैं वर्ल्ड के, और अभी मैंने आपको 2 दिखा दिए हैं और बाकी अब बढ़ते हैं हम आगे 5 की तरफ। और यहाँ पर आपको वेटिंग रूम, रेस्ट रूम बोल सकते हैं जिसको, वो भी मिलेगा, जिसको आराम से रिलैक्स होकर बैठना है वो लोग आराम से यहाँ पे आके बैठ भी सकते हैं और लाइटिंग में इंजॉय कर सकते हैं। ताजमहल है ये, और ये है आगरा में स्थित है और हमारे देश का ही है ये, इसको 7 वंडर्स में रखा हुआ है वर्ल्ड के बुक में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम काफ़ी लिया जाता है, और ये 7 वंडर्स में से एक है। और लाइटिंग देख रहे हैं कितनी शानदार हो रखी है इसकी, और शांति है एकदम यहाँ पर। सो फाइनली आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के कुछ ऐसा देख रहे हैं क्यों मिल रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में आगे कि हम किस मॉन्यूमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कितना अच्छा लुक ये दे रहा है रात के टाइम पर।
सो गाइज आप सामने देख रहे हो, इसको बोला जाता है टावर ऑफ कोलिजियम और ये है इटली में स्थित, इटली की कैपिटल है रोम, ये वहाँ पर है इसका ओरिजिनल और यहाँ पर डमी बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी मेहनत की गई है इसको बनाने के लिए। आप देख रहे हैं भले ये वेस्ट ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, वेस्ट ऑफ पार्ट से बना हुआ है हमारे, बट इसको काफ़ी मेहनत की गई है इसको बनाने में और काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है रात को। एंड गाइज आप ये देख रहे हैं सामने एफिल टावर, इसकी लाइटिंग आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगी यहाँ पे आके, जो कि मेन अट्रैक्शन है वेज टू वंडर का। काफ़ी शानदार है, काफ़ी खूबसूरत है और बहुत लोग यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। और इसका मेनली अगर बताया जाए तो ये है स्टेबलाइज, मेनली इसका एरिया है ये है फ्रांस में जिसका कैपिटल है पेरिस, पेरिस में इसको बनाया गया है, वहाँ पर इसका ओरिजिनल है। और यहाँ पर वेज टू वंडर में आपको इसका डमी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी शानदार है, लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं काफ़ी। अभी धीरे धीरे टाइम में क्राउड आने पे बढ़ेगा, अभी से अगर सीज़न अभी गर्मी का आएगा तो उस वजह से अभी क्राउड अभी नहीं है। एंड गाइज अब बढ़ते हैं आगे और आपको देखने को मिलेगा सामने टावर ऑफ पीसा। गाइज ये है इटली में प्लेस है इसका ओरिजिनल और यहाँ पर डमी बनाया हुआ है वेज टू वंडर में, जो कि ये भी काफ़ी फेमस है और इटली का काफ़ी फेमस टावर ऑफ पीसा है। इसका मेनली फेमस इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ी बिल जो दिखाया गया है थोड़ा सा तिरछा बनाया गया ओरिजिनल भी, और ये सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देखने को मिलेगी, हल्का सा तिरछा पॉश में बना रखा है और शानदार लग रहा है देखने में। ये भी सारा आप देख रहे हो किस तरीके से इन्होंने कितनी मेहनत की गई है इसका आर्किटेक्ट बनाने के लिए, और रात के टाइम लाइटिंग होने के बाद ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और भी ज़्यादा शानदार दिखने लगता है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स की तरफ, मेनली यहाँ पर यही आप सामने फिर दोबारा से देख रहे हो, यहाँ पर एक और हट बना रखी है आपका वेटिंग के लिए, रेस्ट करने के लिए। और सो गाइस वेज टू वंडर में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली है। मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ बट पहले भी गर्मी में आया था और दिन के टाइम आया था, और इस बार मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ रात का व्यू, नाइट व्यू यहाँ पर कैसा होता है, क्योंकि डे में आना यहाँ पर थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, तो अब ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं कि नाइट में आएंगे और रात को, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो कि आपके लिए मैं ऐसी कंटेंट बनाता रहता हूँ, ऐसी अच्छी चीज़ें दिखाता रहता हूँ दिल्ली NCR की। तो बात की जाए यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपका हज़रत निज़ामुद्दीन बोल सकते हैं या सराय काले का बोल सकते हैं, वहाँ से जस्ट वॉकिंग स्टेशन डिस्टेंस में ही है, गेट नंबर 2 से आपको एग्जिट करना है, वहाँ से जस्ट गेट नंबर 2 से एग्जिट करके वॉकिंग डिस्टेंस है करीब 200 या 150 मीटर के डिस्टेंस में है। और लोकेशन यहाँ की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी के तरीके का एक पार्क और बनाया जो कि है भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग में है, मैं वहाँ का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड गाइस ये है लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट का पिरामिड, और ये भी काफ़ी लोहे की रॉड से एंगल टाइप से पूरा वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है जो कि देखने में। इजिप्ट में ये सारा कुछ ऐसे पिरामिड टाइप के बने हुए हैं, काफ़ी गर्म एरिया है, किस तरीके से शेप है ना इसकी उसी तरीके से शेप में बना रखा है, इसको बोला जाता है इजिप्ट के पिरामिड। सो गाइज आपको मैंने सारे मॉन्यूमेंट्स दिखा दी हैं वर्ल्ड के वेस्ट टू वंडर के 7 वंडर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब चलते हैं वापस घर की तरफ और ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। सो गाइज वेस्ट टू वंडर पार्क मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर करवा दिया है, काफ़ी सही लगा मुझे रात को आके यहाँ पर, काफ़ी एंजॉय किया और क्राउड ज़्यादा नहीं था, मेनली रीज़न यह है नवरात्रि चल रहे हैं और रमज़ान का टाइम है, तो अभी क्राउड अभी धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू होगा, अभी देखा जाएगा जैसे गर्मी बढ़ेगी ज़्यादा तो यहाँ पर रात को ज़्यादा लोग आएंगे, इसीलिए मैंने रात को ये ब्लॉग बनाया है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो की दे दी है वीडियो के में, और सारी चीज़ें अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करने का टाइम आ गया है, तो वीडियो करते हैं एंड, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर दो गाइस वीडियो को, और काफ़ी अच्छा प्यार दिया था आपने
ने मेरी लास्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको जल्दी किसी नई वीडियो में नए दिन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।